केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार का दौरा रहने वाला है और अमित शाह दो जनसभाओं को संबोधित बिहार पहुंचकर करेंगे। सुबह 10 बजे वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद सुबह 11 बजे साहूजन मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। इसी के साथ दोपहर 12:30 बजे बौद्ध स्तूप का भी दर्शन करेंगे गृह मंत्री। जिलों से आने वाले किसानों से भी संवाद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज बिहार का दौरा रहने वाला है और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के बिहार पहुंचने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा रहेगा। दो महत्वपूर्ण बड़ी जनसभाओं को संबोधित वो करेंगे। सुबह 11 बजे जहां वो एक तरफ साहूजन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं दोपहर 12:30 बजे बौद्ध स्तूप का दर्शन भी गृह मंत्री करेंगे। इसी के साथ सभी जिलों से आने वाले किसानों से संवाद भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे और तमाम बिहार के अंदर जो सियासी उठापटक चल रही है उस बीच भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे तो वहीं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और भी अधिक यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रहेंगे। किसानों से वो संवाद स्थापित करेंगे और क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में देखने को मिलता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल कई सियासी मायने कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहां से आगाज आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन रैलियों के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं तमाम सियासी उठापटक पर कटाक्ष भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा, दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित वो करेंगे, किसानों से मुलाकात संवाद वो करेंगे, साथ ही बौद्ध स्तूप दर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे वो साहूजन मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ कई अन्य जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रह सकते हैं। साथ ही तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत और बैठक भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से होगी। समीक्षा होगी बिहार की राजनीति की और इसी के साथ दो बड़ी जनसभाओं में संबोधन भी गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा रहेगा और सुबह 10 बजे वो साहूजन मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।